फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है, दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती है। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सोल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर वन। ऑपोजिशन पार्टीज चाहे पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल ले या अपनी प्रोमिसेस जनता के सामने करे। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्सपर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्सपर्सन बने बैठे हैं। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार